Hey everyone, welcome to Biology in Minutes. So today's video on location of endocrine glands. आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो endocrine gland है वो human body के किस किस region पे located है. जैसे कि हमारे endocrine glands हैं hypothalamus, pituitary gland, thyroid, thymus, pancreas, adrenal, testes and ovaries. सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें hypothalamus की, हाइपोथैलेमस ब्रेन के अंडर सरफेस रीजन पे होता है. ठीक है, हाइपोथैलेमस से एक स्टॉक निकलता है जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होता है. ठीक है, ये हमारा हाइपोथैलेमस है. हाइपोथैलेमस, दिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद ब्रेन के जस्ट बैक साइड, अगर मेरा फेस इस साइड है तो जस्ट बैक साइड पे प्रेजेंट होगा हमारा पीनल ग्लैंड. ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होगा पीनल ग्लैंड? बैक साइड. बैक साइड पे क्या प्रेजेंट होगा? पीनल ग्लैंड. हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनल ग्लैंड तीनों ही प्रेजेंट है ब्रेन में. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अपने थ्रॉट की, जो हमारा लैरिक्स होता है, मतलब वॉइस बॉक्स. जो हमारा वॉइस बॉक्स है, लैरिक्स है, उसके जस्ट नीचे एक और ग्लैंड सिचुएटेड होता है, दैट इज अ थायराइड ग्लैंड. कौन सा ग्लैंड? थायराइड ग्लैंड. इसी ग्लैंड को जब फोल्ड करें, अगर उसके बैक साइड की बात करें, इसी ग्लैंड के जस्ट बैक साइड की बात करें, बैक साइड रीजन पे हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, कौन से ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं? पैराथायरॉयड ग्लैंड. इसके बाद आपका हार्ट आता है, हार्ट के जस्ट ऊपर, हार्ट के जस्ट, हार्ट है जस्ट उसके ऊपर एक और एंडोक्राइन ग्लैंड सिचुएटेड होता है, दैट इज अ थाइमस. दैट इज अ थाइमस. उसके बाद आती है किडनी. किडनी के जस्ट ऊपर एक और ग्लैंड प्रेजेंट होता है, दैट इज अ पैनक्रियास. ठीक है, पैनक्रियास. किडनी के जस्ट ऊपर एक और ग्लैंड सिचुएटेड होता है, दैट इज अ एड्रीनल ग्लैंड. दैट इज अ एड्रीनल ग्लैंड. किडनी के ऊपर एड है, किडनी के ऊपर है, इट मींस एड्रीनल ग्लैंड. एड्रीनल ग्लैंड. अगर हम बात करें मेल की तो मेल के पास होंगी टेस्टिस, अगर हम बात करें फीमेल की तो फीमेल के पास होंगी ओवरीज. ठीक है, इन केस ऑफ मेल टेस्टिस है, इन केस ऑफ फीमेल तो उनके पास एंडोक्राइन ग्लैंड है ओवरी. ठीक है, तो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से हुए? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड पीनल ग्लैंड. ये तीनों ही एंडोक्राइन ग्लैंड ब्रेन में लोकेटेड है. उसके बाद आता है आपका थॉट, जो कि आपका लैरिक्स, वॉइस बॉक्स के जस्ट नीचे जो आपका ग्लैंड प्रेजेंट है, दैट इज अ थायराइड ग्लैंड. उसके जस्ट नीचे आपका हार्ट आता है, हार्ट के जस्ट ऊपर है हमारा थाइमस ग्लैंड. उसके बाद आपकी किडनी, किडनी के जस्ट ऊपर एक और ग्लैंड प्रेजेंट है, दैट इज अ पैनक्रियास ग्लैंड. किडनी के जस्ट ऊपर एक और ग्लैंड है, दैट इज अ एड्रीनल ग्लैंड. अगर इन केस ऑफ मेल उनके पास टेस्टिस प्रेजेंट है एंडोक्राइन, और इन केस ऑफ फीमेल तो ओवरीज प्रेजेंट है. हाइपोथैलेमस की, तो हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड. इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, कि ये मास्टर का भी मास्टर है. ठीक है, क्यों है मास्टर का मास्टर? क्योंकि ये पिट्यूटरी है, ये हमारा मास्टर ग्लैंड है. पिट्यूटरी क्या है? हमारा मास्टर ग्लैंड है, क्योंकि ये बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करके रखता है. ठीक है, जब ये बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करके रखता है, तो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल करके रखता है, इसलिए हम बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड. हाइपोथैलेमस इज अ मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड एंड पिट्यूटरी इज अ मास्टर ग्लैंड.